कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा कहते हैं जीव जाते वाये बली जो रटे हरि नाम और नहीं तो काट के फेंक दियो, यो मुंह में बलो नहीं चाम। ना तो इस जीव की साधना किसी, जैसे तगड़ा आदमी है करा के वचन बोल दे गरीब थे बलहीन थे और वो रोता रहे बेचारा, उसका वो तीर का काम कर दिया इस भूंडी जबान वाले ने। तो इस तरह कहते हैं ये जबान जो है तलवार का काम कर देती है, या तो भगवान की भक्ति करे ना इसका कोई जरूरत निश्चान की, कुछ ऊट पटांग ही बकवाद करे, रागनी गांव में भूंडी किसी की चुगली करें, कोई किसी की झूठी गवाही देवे, तो ये दुष्ट कर्म करेंगे। इसका अच्छा था भगवान जुबान ना दे अच्छा, यानी मुंह बंद रहे जुबान, यानी कहने का भाव ये है कि गूंगा कर दे इसका अच्छा था। या फिर भगवान की भक्ति ही करे जिसके मालिक ने ठीक ठाक अंग दिए हैं। उसने कहा कि हमारे घर गुरु जी आते हैं और उन्होंने ये अमृत ज्ञान में छका दिया, हम तो गदगद हो जाते हैं, रोते हैं जब परमात्मा कथा सुनाते हैं, आंखों से आंसू आते हैं। मंदोदरी ने कहा कि इब कह तेरे गुरुजी आवे तब मुझे बताना, मैं उनके दर्शन करूंगी। अब परमात्मा तो कहते हैं आप आरती आप सज आप किंगर आप बज आप ताल जहां दनकारा आप नचे आप देखनारा, कह कबीर से आरती गाऊं आप मध्य आप समा। वो सारा खेल वही कर रहे थे, अपनी प्यारी आत्मा को मंदोदरी को निकालना था, विभीषण को निकालना था, चंद्र विजय के परिवार को निकालना था। तो मंदोदरी में पालक ने प्रेरणा की कि बहन तुम्हारे घर पर गुरु जी आवे तो मुझे बुलाना, अवश्य मुझे बताना। अगर ठीक है जी आते ही बताऊंगी जो आपका आदेश हो। पहले तो उसने कहा कि तेरे गुरु जी आओ तो यहां बुला के लाना। तो उस कर्मवती ने कहा महारानी मैं आपकी दासी बांदी नौकरानी, जो आज्ञा आपकी होगी आपका संदेशा गुरुदेव को बता दूंगी, लेकिन परमात्मा के विषय में संतों के विषय में मुझे जो ज्ञान है वो आपको जरूर बताना चाहूंगी। कहते हैं साधु संतों को बाय ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, उनके दरबार में खुद जाकर नतमस्तक होना चाहिए, चाहे वो किसी कुटिया में बैठे हों चाहे वृक्ष के नीचे बैठे हों। यदि मैं आपका आदेश दे दूंगी और मेरी प्रार्थना रो रहा के मैंने मनाने पड़ेंगे कि नहीं तो मेरी रानी मुझे नौकरी से निकाल देगी, और वो आ भी गए तेरे पास और तुझे आशीर्वाद नहीं देंगे तो यूजलेस होगा, आना ना आना संत का कोई फायदा नहीं होगा। और आप वहां जाओगे संत को यह पता चलेगा कि रानी है महारानी है तेरे द्वार पाई है, तो और ज्यादा खुश होंगे, तेरे नंबर गणे बनेंगे, परमात्मा तुझे और आशीर्वाद अच्छा देगा। तो मंदोदरी ने कहा बहन फिर मत बुलाना, जब तेरे गुरु जी आ जाए तो मुझे याद दिलाना, मैं खुद जाऊंगी दर्शन करूंगी। परमात्मा पहुंचे, कर्मवती ने जाते संदेशा दे दिया, नंगे पैरों चल पड़ी वो पुण्यात्मा, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, नंगे पैरों चल पड़ी वो पुण्यात्मा, जाते ही चरणों में शीश रख दिया। तो मालिक को तो पता था मेरी हंस है ये बेटी, कहा बेटा बैठ जा सत्संग सुन, विचार सुनाई सारी कथा सुनाई। कहते हैं
एक के चोट सिदारिया जिन मिलन दा चा, जो परमात्मा की पुण्य आत्मा जिन भगवान चाहिए वो गड़ी बकवाद ना करा करते, अग्रम अग्रम में होती उनमें। तो एक के सत्संग में तुरंत समझ गई और कहा भगवान अपनी बेटी को भी उपदेश दो, दया करो मेरे दाता। तो परमात्मा ने उसको नाम दिया, सारी कथा से परिचित करवाया, बड़ी खुशी हुई। फिर मंदोदरी और क्रमवती दोनों बैठकर कई कई घंटे माले की चर्चा करते। एक दिन विभीषण, जो रावण का भाई था छोटा, विभीषण ने चर्चा सुन ली उन दोनों की, वो बैठ गया उनके पास आके। तो मंदोदरी से कहा कि क्या आपने उपदेश ले लिया? कहा मैंने गुरुजी गुरु बना दिए, और जब मेरे भाई ने पता लग गया तो न गड़ेगा। मंदोदरी बोली कुछ भी हो तो मेरा बात समझ में आएगी, बाकी ऐसी बात नहीं है, वो इतना मुझे नहीं कुछ कहता, मैं अपनी क्रिया करती हूं, मैंने बता रखा उस तक। अच्छा, विभीषण ने कहा कि फिर मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया, मुझे भी ले चलो, मुझे भी नाम दिलाना था आपने। तो मंदोदरी बोली मन ने सोचा तू रावण का भाई है कि रामन ने ना माना, इसलिए मैंने तेरे आगे जिक्र करना उचित नहीं समझा। अरे बाज आपकी प्रेरणा है तो आपके गुरु जी आएंगे, मैं तुझे जरूर ले चलूंगी। ऐसा ही हुआ, कहने का भाव विभीषण ने भी उपदेश ले लिया। उसी दौरान इस रावण के क्रम फूटे, दुर्भाग्य इसका उदय हुआ, इसने सीता जी का अपहरण कर लिया और अपने नौलखे बाग में रोक दिया। अब जब परमात्मा आए कबीर जी, वैसे तो मंदोदरी पहले भी दुखी हो गई थी, वह दूसरी औरत को ले आया, ये उससे भी वो बहुत दुखी थी, शुभ थी, लेकिन रावण सुना नहीं था कति भी। तो मंदोदरी ने अपने गुरुजी से कहा गुरुदेव मेरे पति एक किसी औरत को उठा लाए हैं, ले लाए हैं, और मेरी समस्या घड़ी बढ़ गई, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरी आत्मा रोती रहती है, इसका समाधान करो मेरे प्रभु। परमात्मा बोले बेटी ये ऐसी वैसी औरत नहीं है, ये समझो लक्ष्मी है, और जिसको ये एक जंगल में घूमने वाला व्यक्ति समझता है राम, ये विष्णु अवतार है। और बेटी अपने पति ने कह दे इसको सकुशल वापस दे आवे और अपनी गलती की अक्षमा याचना करे, नहीं तो बेटी इसका कुल नाश होगा। अब मंदोदरी ने रावण को बहुत समझाया कि आप इसको वापस दे दो, और ऐसे ऐसे मेरे गुरुजी बता रहे हैं कि ये भगवान विष्णु का अवतार है, और जिसको तुम सीता समझते हो ये लक्ष्मी अवतार है। रावण कहने लगा तू किसने बका दी मूर्ख, वो के करेंगे मेरे दो जंगलों में घूमनी है शिकारी, शिकार करते फिर दो भाई, मेरे पास इतनी सेना है, मेरे इतने पुत्र हैं, मेरे इतने ऐसे ऐसे रिश्तेदार हैं, इतनी सेना है मेरे पास, वो क्या बिगाड़ेंगे, मैं नहीं दूंगा बिल्कुल भी। कहने का भाव ये कि जब मंदोदरी ने सारा कुछ कह लिया, रावण नहीं माना, अपने गुरुदेव से प्रार्थना की गुरुदेव एक बार आप कृपा कर दो, मेरे पति को समझा दो। परमात्मा बोले बेटी ये राज का नशा ऐसा बुरा होता है, प्राणी अपना नाश करा सकता है पर ये मान्या ना करता। मंदोदरी ने कहा गुरुदेव एक बार आप कहो मान जाए तो ये वापस करते, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, आप दया करो मेरे मालिक, और यदि ये नहीं मानेगा गुरुदेव तो मुझे विधवा होने का मैं दुख नहीं होगा, अगर ये ना मानना मर भी जाएगा तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, यदि आप एक बार समझा दोगे, मुझे आशा है कि आपकी बात को मानने साधु संतों का आदर करता है। परमात्मा बोले बेटी नकलियां की आदर करें, असली के लिए उल्टा निकम्मा आदमी कर्महीन इंसान, असली संतों से तो दवेश कराया करे, नकलियां के चरण छूता इंडिया करे। कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने अपनी उस बेटी की जो समस्या का समाधान करने के लिए स्वीकृति दे दी कि बेटी जाऊंगा कभी मौका सा लाके।
एक दिन रावण जो है अपनी एक गुप्त मीटिंग कर रहा था और बक्स परमात्मा मनिंदर रूप में परमेश्वर कबीर जी आए हुए थे ऋषि रूप में, तो वहां उनके द्वार के सामने खड़े हो गए। द्वारपा से कहा कि भाई मुझे रावण से मिलना है, राजा से, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल कहने लगे कि इस समय गुप्त मीटिंग चल रही है और अंदर का संदेशा बाहर आ सकता है, बाहर से अंदर नहीं जा सकता कोई व्यक्ति। परमात्मा बोले भाई मैंने जरूरी काम है, एक बार तू जाकर संदेशा दे आ। अगर नहीं रिसीवर, मैं आपका आदर करता हूं लेकिन मैं अंदर चला गया मेरी गर्दन काट देगा, इतना क्रोधी राजा है। तो परमात्मा वहां से अंतर ध्यान हुए कबीर जी, रावण बैठा कम से कम 20 फुट ऊंचा ऊंची सिंहासन पर और बहुत बड़े हॉल में उसकी मीटिंग चल रही थी। परमात्मा सामने से खाली जैसे रास्ता ये है से आ रहे थे। अब रावण की दृष्टि पड़ी कि ये ऋषि कैसे आ गया मेरी आज्ञा बिना अंदर। उसने कहा कि पहरेदारों को लाओ बुला के, उनकी गर्दन कलम कर दो। तब तक परमात्मा निपट आ गए और कहा कि तुम्हारे द्वारपालों का दोष नहीं है रावण, उन्होंने तो मना किया था, फिर तू आ कैसे गया कि मैं ऐसे आ गया। अंतर ध्यान हुए भगवान एक बार और फिर प्रकट हो गए कि मैं ऐसे आ गया, उनको दिखाई नहीं दिया। तो रावण ने कहा तू चला जा यहां से, मैंने तेरी कोई बात नहीं सुननी। परमात्मा बोले मैं जो बात सुनाने आया हूं वो तुझे सुननी ही पड़ेगी। परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने कहा यानी मुनिंदर जी ने कहा कि रावण तो इस लड़की को वापस दे दे, सीता है इसका नाम, तो इसको वापस कर दे और नहीं तो तेरा कुल नाश हो जाएगा। अरे तू सूरवीर होकर एक औरत को उठा लिया, तुझे शर्म आनी चाहिए। सूरवीर रक्षा किया करते हैं बहन बेटियों के, पाप आत्मा तेने किया क्या ये। तो रावण ने बोला मुझे तेरी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, निकल जा यहां से कमबख्त। और तलवार निकाल ली, सिंहासन से नीचे कूद गया, नो का नो जंप मारा स्टेज पे और गुस्से में आकर के 70 बार तलवार के अटैक किए मालिक पर। परमात्मा ने एक झाड़ू की सींक आपने देखी होगी, झाड़ू की सिंगल सींक वो हाथ में ले रखी थी नो, और उस सींक को एज ए ढाल प्रयोग कर दिया कि नो कर लियो सींक। उसने 70 बार तलवार मारी सींक के, क्रोधित हो गए क्योंकि तमोगुण का उपासक था, मेरी आग भर गया था अंदर, फिर शक्ति पूरी। 100 जोटियां का मांस एक बार खा जाता था यो रावण एक बार, और 100 मटके दारू पिया करता ब्राह्मण को आवे। तो परमात्मा कहते हैं ये ऐसे कुबद्धि थे, इतनी शक्तिशाली भी था, तो सींक का निशान भी नहीं हुआ और पसीने आ गए सूरवीर गए, और दुष्ट आत्मा के फिर भी इन्होंने जची रही के खड़ा तेरे सामने नालायक, पैर पकड़ लेता, चरण चरण छू लेता, पकड़ के माफी मांग लेता अपने दुष्कर्म की। नहीं, कहते हैं मान बढ़ाई ईर्षा ये कभी नहीं छूट सकती जीव के ऊपर, और या छूटे बिना बात बोले नहीं, राज का नशा अहंकार से परिपूर्ण कर देता है। तो रावण कहने लगा तू जा से हिम्मत जा, पर मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा। अब उसको पता लग गया ये मारा तो जा नहीं सकता, तेरी तलवारें में निशान पड़ गए, बैठ गया अपने सिंहासन पर जाकर। परमात्मा बोले बात सुन ले कान खोल कर रावण, तेरे जैसे करा कितने जाली ये धरती तोल गए, परमात्मा की सतभक्ति कर ले तो तेने अपना पीछा छुटवाना है ऋषि, इस वापस दे इस सीता को, तेरा कुछ बच जाएगा। रावण ने चुप हो गया, बोला नहीं कुछ भी। परमात्मा आ गए और उधर विभीषण भी उसी सभा में भी उपस्थित था। तो परमात्मा ने कबीर जी ने मुनिंदर जी ने जाके कहा कि बेटी मैंने जो कहना था कह दिया, पर वो नहीं मान सकता, एक नहीं सुनी, मेरे से विवाद कर लिया। मंदोदरी बोली पिताजी ए परमेश्वर अब मुझे संतोष होगा, यू कदे मर जाइयो, यू मानो चाहे मत मानो, ठीक हो गया मालिक आपने मेरी अर्ज सुन ली। श्याम ने भी भिक्षण आया तो उसने कहा कि आज तो गुरुजी मार दिए होते भाई ने, और
ऐसे चमत्कार करे, एक सीख ले रहे थे गुरु जी, और इसने 70 बार किया, इसका पसीने आ गए, छक्के छूट गए इसके, लेकिन मान्या फिर भी नहीं, और टस से मसवा सीख ना हुई इस तरह। मंदोदरी बोली ठीक है, अपने कर्म भोगेगा, मारा के लेगा, हमने कहना था सो कह दिया, और अपने गुरुजी की वो गुरुदेव की आज्ञा को वो फाइनल समझती थी, और जो कह दी वचन वो फाइनल समझती थी कि तो कह दिया ये होगा ही होगा। अब तो अब मंदोदरी फिर भी, क्योंकि ममता बहुत बड़ी होती है, पति पत्नी का नाता एक विशेष होता है, उसने फिर भी कहा कि रावण मान जाए मेरी बात को, तो उस संत ने आपने कैसे कैसे उनके साथ बदव्यवहार किया, कितनी आपने तलवारें मारी और सीख को निशान भी नहीं हुआ। तो रावण ने भी स्वीकृति दी कि सचमुच ये पहला करिश्मा मेरे साथ है, मैं तो पत्थर न पाट दू तलवार के साथ, और उसकी सीख का निशान नहीं हुआ। बंदोजरी ने कहा अब तो बात को मान लो आप, कि नहीं इसने क्या पता, मेरे गुरु जी को बड़े विद्वान पुरुष हैं, मेरे को सब पता है, ये सिद्ध पुरुष होगा, बाकी मैं नहीं मानू। उधर से क्या हुआ कि रामचंद्र जी ने अपना पता कराया, अनुमान के माध्यम से पता लग गया भी सीता ऐसे ऐसे रावण के बाग में। तो पहले तो जो एक सभ्य तरीका होता था वो अपनाया, राजदूत भेजे, अंगद गया, राम नहीं मानना, और भी कई राजदूत बनाकर भेजे भाई किसी तरह ये मान जा, बिना लड़ाई वापस हो जा सीता, पर नहीं माना। वो कहते विनाश काले विपरीतावधि। अब क्या हुआ कि सेना इकट्ठी कर ली रामचंद्र जी ने, और सेना को समुद्र से पार करने की समस्या आएगी। 3 दिन तक रामचंद्र जी घुटनों पानी में खड़ा होकर समुद्र से याचना करते रहे, हे समुद्र देव मुझे रास्ता दे दो, मैं बहुत आपत्ति में हूं। लेकिन टस से मस नहीं हुआ। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ला लक्ष्मण मेरा अग्नि बाण दे, अग्नि बाण दे, ला समुद्र में फूंक देता हूं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ऐसे जो ही उन्होंने जब समुद्र को फूंकने के लिए कमान पर तीर चढ़ाया, उसी समय समुद्र एक ब्राह्मण रूप में, विपर रूप में प्रकट हुआ, ऋषि रूप में, और कहा कि हे श्री रामचंद्र जी, हे विष्णु अवतार, मुझे जला मत, मेरे अंदर बहुत बड़ा संसार बसा हुआ है, और यदि तू मुझे सोख देगा, खत्म भी कर देगा पानी को, तो बैलेंस बिगड़ जाएगा इस पृथ्वी का, और ये इतना गहरा गड्ढा हो जाएगा तुम फिर भी नहीं जा सकते इसके पार। ऐसा काम करो प्रभु, सर्प भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। श्री राम जी ने कहा कि फिर ऐसी कौन सी विधि है वो बता मुझे, कि तेरी सेना में ये नल और नील नाम के 2 कारीगर भी हैं, शिल्पकार भी हैं, और इनके हाथ में ऐसी शक्ति है कि इनके हाथ से पत्थर तर जाते हैं, पत्थर कैसे लोहा भी हो वो भी तर जाता है। तो नल और नील को बुलाया गया। अब यहां मार खाता है प्राणी, या महिमा का जो समय इसके सामने होता है तो ये महिमा को पसंद करता है, यही मार खाता है। कहते हैं साहेब के दरबार में गाहक कोट अनंत, 4 चीज चावे हैं ये रिद्धि सिद्धि मान महंत। परमात्मा के दरबार में साधकों की कमी नहीं, लेकिन ये 4 चीज मांगे हैं, रिद्धि सिद्धि हो जा, मान बढ़ाई और महंत बन जाऊं, महिमा मेरी बने, प्रभुता हो जा, कि 10-20 नमस्ते करनीय हो जा। कहते ये ही दुश्मन है इस जीव का। तो यहां क्या हुआ कि वहां अंगद भी फेल, जिसने रावण के लाखों व्यक्तियों को वहां पैर रख दिया था, किसी से टस से मस नहीं हुआ, पूरी सेना में चरता थी, आज वो भी फेल, क्योंकि समुद्र से ये पार हुए बिना बात बना नहीं। हनुमान भी फेल, श्री राम भी फेल। तो नल नील को आवाज लगाई और बुलाने गया, उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे बताया है कि देवता प्रकट हुआ समुद्र का,
उसने बताया कि तुम्हारे हाथों में ऐसी शक्ति है जिससे पत्थर भीतर जाते हैं। आज चलो तुम्हें राजा बुला रहे हैं तुम्हारे, तुम तो भाई बड़े भाग्यशाली, तुम्हारी तो बड़ी इज्जत होगी। तो वह फूल गए, उनके अंदर अहम भर गया। उस दिन भगवान याद नहीं किया नालायक कौन है। और श्री रामचंद्र जी ने पूछा भी नल नील ये देव ऐसे ऐसे बता रहा है अभी, पर क्या तुम्हारे हाथों में ऐसे कोई पावर है तुम्हारे पास? हाँ जी है। कि भी एक ट्रायल दो मुझे। पत्थर उठाया और ऐसे रख दिया दोनों ने, उठा उठा गए और दोनों का डूब गया। उन फिर क्यों वहम हो रहा था कि पहले तो कुछ भी नहीं डूबता, फिर दोबारा फिर ठा कर रखा वो भी डूब गया, तीसरी बार रखा वो भी डूब गया। अब वो सहम गए भाई अब क्या हुआ, वो तो बड़ी असमंजस में पड़ गए। तब श्री रामचंद्र जी ने उस विपर रूपधारी समुद्र की तरफ देखा कि देव तू झूठ बोलता है, यानी ये कहना चाहा था कि तू झूठ बोलता है, इनके हाथों में ऐसी कोई पावर नहीं है इसकी पास। तब विपर रूपधारी समुद्र ने कहा कि नलनील तुमने आज जुल्म किया है, आज तुमने अपना गुरुदेव याद नहीं किया, याद करो अपने परम पिता को। फिर वह भी सहम गए। तब उन्होंने स्तुति की अपने गुरुदेव की। इतने में क्या हुआ कि परमेश्वर कबीर जी मुनिंदर रूप में काफी दूर सामने नजर आए, जैसे पैदल आ रहे हो। नलनील ने देखा कि मेरे गुरुजी आ गए, बस चिंता मत करो अब तो सब ठीक हो जाएगा, देखो मेरे गुरुजी आ गए, हमारे गुरुजी आ गए। इतने में वो परमात्मा कबीर जी मुनिंदर जी निकट आ गए। नलनील ने चरण लिए, श्री राम लक्ष्मण ने चरण लिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ऋषिवर आज मेरे ऊपर ऐसी आपत्ति आई हुई है और मेरे दुर्भाग्य के कारण आपके शिष्यों में वो शक्ति नहीं रही जिससे इनके हाथों से पत्थर तैर जाते थे। परमात्मा ने कहा अब कभी नहीं रहेगी इनके हाथों में, क्योंकि इन्होंने गलती बारा कर दी, अभिमान हो गया। परमेश्वर कबीर जी की वाणी है कि जैसे माता गर्भ को रख यतन बनाए और ठेस लगे तो छन्न हो तेरी, ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन बेटी को बहुत ही कुछ समय शादी के दो चार दस वर्ष के बाद आस रही हो, भगवान ने कृपा बख्शी हो, गर्भ रहा हो, फिर वो अपने गर्भ को सुरक्षित रखने के लिए कितनी सतर्क रहती है, चलते समय भी नहीं सोचा है भगवान ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जाए कहीं गर्भ खराब ना हो जाए, सोते समय भी करवट जब लेती है एकदम चमक जाती है कहीं मेरे पेट पर दबाव ना आ गया हो, मेरा बच्चा खराब हो जाए। और गर्म वस्तु खाने का भी परहेज करती है। कहने का भाव यह है कि परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे तो अक्षीण हो जा, छन्न हो जा, नष्ट हो जाए, तेरी ऐसे भक्ति जावे। तो आप जी के अंदर भक्ति परमात्मा के इस वचन से प्रारंभ हुई है और तुमने जरा सी मर्यादा भंग कर दी तो आपका यह भक्ति रूपी गर्भ नष्ट हो जाएगा, आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो जैसे माता गर्भ को रखा यत्न बनाए, ऐसे आपने इस अपनी भक्ति रूपी धन को सुरक्षित रखना है ताकि ये मोक्ष रूपी बालक आपको प्राप्त हो सके। तब श्री रामचंद्र जी ने मनिंदर जी के चरण पकड़ लिए। परमात्मा ऋषि रूप में थे, ब्राह्मण रूप में, और कहा कि ऋषिवर आप कृपा बख्शो मुझे दास पे, ऐसे ऐसे मेरे ऊपर आपत्ति आई हुई है, मेरी पत्नी को रावण ने उठा लिया, हमने सब प्रयत्न कर लिए, हमने दूत भी भेज लिए भाई तुम मेरी पत्नी वापस दे दे, हम युद्ध नहीं चाहते, पर वो नहीं मान रहा। ए प्रभुवर आशीर्वाद दो मैं सफल हूं, आशीर्वाद दो प्रभु मैं विजयी हूं, और आशीर्वाद दो मेरा ये समुद्र के ऊपर पुल बन जा। तो परमात्मा ने कहा कि मैं तेरी समस्या से परिचित था और मेरा और तेरे पिता का एक वायदा हुआ था इस काल निरंजन से कि एक समय मेरा अंश मेरा पुत्र
पृथ्वी पर होगा, राजा दशरथ के यहां जन्म लेगा, क्योंकि ये पूर्व निर्धारित होती है, इनकी फिल्म बना बनाई रखी होती है। तो उसमें समुद्र प्रस्थान नहीं देगा, आप कृपा मुझे मेरे उस पुत्र को वो रास्ता दिलवाना है। तो मुझे पता था तेरे ऊपर क्या आपत्ति है। मैंने आते आते, ये बहुत बड़ा पहाड़ था वहां, एक लंबा चौड़ा, कहते इस पहाड़ के चारों तरफ से एक डंडी से जो सोटी ले रखी थी परमात्मा डोगा, इससे चारों तरफ मैंने एक रेखा खींच दी है और इस रेखा के अंदर अंदर के जितने भी पत्थर हैं वो अपने इतने फ्लोटिंग हो गए कि उनको उठाओ और रखो, तराश तरूस के यानी बनाकर ढंग से ये तैरेंगे। अब उसका दत्त्य नहीं रामचंद्र जी का हनुमान जी से कहा कि ले पहलवान एक पत्थर उठा गए। अब हनुमान जी गए वहां से एक बड़ा पत्थर लाए उठाकर और उसको रखा, तो वो जो का त्यों भी रख दिया तो भी तैर रहा समुद्र पर। ओहो, बस फिर तो कहते हैं वारे नारे हो गए। फिर उसको छोल छाल के नल नील कारीगर भी थे, शिल्पकार यानी राजमिस्त्री भी थे वह, तो उन्होंने उनको छोल छाल कर रखना शुरू किया, वो पुल बनाया। रे नल नील यतन कर हार तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन कर हार तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरे खा लखी अपार सिंधु पे चला तेराने वाले। जा सतरे खा लखी अपार सिंधु पे चला तेराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले भक्त की। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीर मिटाने वाले। दशी सर्प ने जब जा पुकारी इंद्रमती अकुलाय। दशी सर्प ने जब जा पुकारी इंद्रमती अकुलाय। आपने तुरंत करी सहाय दरोली मंत्र सुनाने वाले। आपने तुरंत करी सहाय दरोली मंत्र सुनाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। दामोदर सेठ के हो थे अकाज अर्ज करी डूबता देख जहाज। दामोदर सेठ के हो थे अकाज अर्ज करी डूबता देख जहाज। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंघाने वाले। लाज मेरी रखियो गरीब नवाज समुद्र से पार लंघाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्म दास दर्श दे पूर्ण करियो आस। कह कर जोड़ दीन धर्म दास अर्ज दर्श दे पूर्ण करियो आस। मेट दो या जन्म मरण की तरास सत पद प्राप्त कराने वाले। मेटियो जन्म मरण की त्रास सत्य पद प्राप्त कराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की
पीड़ मिटाने वाले। कह कर जोड़ दीन धर्म दास दास दे, पूर्ण करियो आस कह दी। कर जोड़ दीन धर्म दास दर्स दे, पूर्ण करियो आस मेटियो जन्म मरण की तरास। सत पद प्राप्त कराने वाले मेटियो जन्म मरण की तरास। सत पद प्राप्त कराने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले भक्त की, पीड़ मिटाने वाले धन धन सतगुरु सत कबीर भक्त की। पीड़ मिटाने वाले सत सहे। पुण्यात्माओं, इसको तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसमें प्रत्येक कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। पहले ये दास गांव गांव में सत्संग किया करता था। एक गांव में सत्संग कर रहा था, उन्हीं के एक बड़ा भाई छोटे नाम ले रखा था और परिवार ने नाम उपदेश नहीं ले रखा था। तो बड़ा भाई अच्छी आत्मा का था, वो फौज में मिलिट्री के अंदर सर्विस करता था। वो छुट्टी आया हुआ था, उसने सत्संग से पहले उनके घर पे हम रुके हुए थे रात में, तो उसने प्रश्न किया कि हे महाराज, मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूं और मैंने रामायण बहुत पढ़ रखी है। रामायण के अंदर रावण का चरित्र देखा, उसमें मांस खावे, दारू पीवे, नरको बद्दी, और भी जितने भी उसके अनुयायी थे, उसके सेनापति थे, वो सारे ने ऐसे कर्म, राक्षस टाइप के लोग थे, उनके कर्म ऐसे लिखे। लेकिन मंदोदरी और विभीषण, विभीषण के अंदर भक्ति कहां से आएगी? और मंदोदरी की ने अपने पति रावण को ऐसे तरीके से रामायण में समझा रखा है कि ऋषि लोग भी नहीं समझा सकते, तो मंदोदरी के पास यह बुद्धि कितना आएगी? ये बात मेरे दिमाग में खटक रही है और इस प्रश्न का उत्तर में कहीं नहीं मिला। मैंने बड़े बड़े मंडलेश्वर, क्योंकि जहां हमारी सेना जाती है तो वहां पास मेरी एक खास आदत है कि ये पूछा करो, भाई यहां कोई संत रहता है, कोई ऋषि रहता है, तो मैं उसके पास जाता हूं, या आसपास कहीं सत्संग हो रहा हो, कोई ऐसा सम्मेलन हो, वहां जाता हूं और उन महापुरुषों से मैं ये प्रश्न करता हूं। लेकिन संतोषजनक उत्तर उनका मेरे को नहीं होता है। किसी ने भी ये बात नहीं बता, इसका क्लियर नहीं किया कि भी उस दोनों को ज्ञान कितना है। ऐसे मुंडे राक्षसों की नगरी में तो दास बोला, भाई इस मर्ज की दवा मेरे पास और किसे द्वारे नहीं पावे। फिर इस दास ने यह सत्संग सुनाया, उसको पूरी कथा सुनाई, वहां सत्संग सुनिए सामने। अब यही होगा विषय, यही होगा। उसने सत्संग सुनाया, बहुत प्रभावित हुआ, ने बोला जी कति अंधेरा हट गया, कसरे को अंडरी सारी बात समझ में आ गया, तो क्लियर ऐसे हुआ। कोई तो कहता नलनी ने पत्थर करा दिए, कोई कहता रामचंद्र ने पुल बांध दिया, उसने आशीर्वाद दे दिया, कोई कह हनुमान ने राम का नाम लिख दिया, उन पत्थर बजिश लिए तिर गए। ये बकवाद थी सारी। तो क्या बताते हैं, जगत का पेखना पेख्या धनी का नाम ना लेखा। जगत का यानी उसने नो कर दिया, उसने जो करने वाला उसका जिक्र भी नहीं, उसका नाम ना लेखा, यानी जिसने ये सारा कुछ किया उसका जिक्र भी नहीं, क्योंकि वो परमात्मा है और परमात्मा दूसरों को हानि नहीं पहुंचा सकता। आम के पेड़ पर कांटे नहीं होते, छाया और फल दोनों होते हैं। और भाई ये दूसरे जो अवतार लोग आते हैं, ये इनका उद्देश्य पहले फिक्स कर दिया जाता है कि तन्ने उसको मरना है, उसको मरना है, उसको मरना है। उनकी मृत्यु उनके हाथ से लिखकर भेज दी जाती है, तो फिर उनकी प्रभुता बन जाए इन काल के एजेंट, काल के जो अवतारों की एक दुखदायी तत्व है और उसको उसने मार दिया, तो जनता ने रात की सांस ली, उसके गुणगांव वेतन बड़ा पाप काट दिया हमारा। तो ऐसे काल ने जाल फैला रखा है कि उनका ऐसा संयोग बन जाता है और उनको फिर अपने पुत्रों का अवतार बनाकर भेज देता है। दुनिया इनको भगवान मानकर इनके चिपकी रहती है।
इस प्रकार ये काल का जाल है। अब त्रेता युग में परमात्मा ऐसे आए, द्वापर युग में जब आए, एक इंद्रमती नाम की एक रानी थी, इंद्रावती भी इसको कहते हैं, उसे इंद्रमती भी कहते हैं, और उसके पति का नाम चंद्र विजय राजा, चंद्र विजय था वो राजा था। वो रानी बड़ी धार्मिक थी और उसने अपना कोई गुरु भी बना रखा था। उस गुरुदेव ने उसको राम कर इसका भगवान विष्णु जी के विषय में जानकारी दे रखी थी, शंकर भगवान के बारे में जानकारी दे रखी थी, और जो अभी जंतर मंत्र था वो बता रखा था, रोज कराया करती, प्रतिदिन करती थी। अब उस गुरु जी ने ये बता रखा था कि बेटी जो धर्म करते हैं या तप करते हैं उनसे उनको राज्य प्राप्त होता है। आज तू रानी है, पिछली पुण्य से है, आगे पुण्य करेगी तो अगले जन्म में भी तू मनुष्य जीवन जब कभी मिलेगा तो रानी बनेगी, इसलिए धर्म किया कर, आए अतिथि जो आपके द्वार पर आ जा, सबको भोजन करा, एक भंडारा लंगर खोल दे, और साधु संत आ जा तो उनका विशेष आदर कर और स्वयं अपने हाथों से खाना बनाकर खिला बेटी, इतना बहुत पुण्य मिलेगा, और प्रतिदिन एक संत को अवश्य रोजाना भोजन कराया कर। जब साधु मेरे अंडा कर तुम्हें ठहरे थे जंगला में बुला लेती हो, ऐसे प्रोसीजर ये चलता रहा कई वर्ष, दो चार वर्ष। रानी क्या करती थी, प्रतिदिन उसने एक अपना नियम बना लिया कि मैं खाना बाद में खाऊंगी, ये प्रतिज्ञा कर ली, पहले किसी भक्त संत को खिलाऊंगी फिर पाचा खाऊंगी। अब ऐसे वो चलता रहा, संदेशा दे देती, न्योता दे देती, दो चार भक्त डेली संत आ जाते, खाना खा जाते, बाकी आम जीव के लिए भी, कुरा चालतों के लिए भी उसने लंगर अलग से खुलवा रखे। अब क्या हुआ, एक बार कुंभ का मेला हो गया और कुंभ के मेले में ये सभी जो त्रिगुण उपासक हैं जिनको हम संत समझा करते हैं, बाकी ये संत तो नहीं है फिर भी हम अज्ञानता के अनुसार उनको साधु संत मानते थे, तो वो सभी स्नान करने के लिए पर भी मैं मोक्ष प्राप्ति के लिए वहां चले गए, कहां, हरिद्वार में, हर की पैड़ी पे, और आसपास कोई संत नहीं रहा। रानी ने संदेशा भिजवाया, नौकर गए कि सब के कुटियां खाली हैं या कोई नहीं, पता चला तो वो चले गए कहां, कुंभ स्नान करने के लिए, और मनमाना 15 दिन में आऊंगे, क्योंकि 5-7 दिन तो पैदल जाने में लागे, 5-7 दिन आने में लगे, 1-2 दिन रेस्ट भी करें वहां पर, तो 15-14 दिन में वो 20 दिन में आएंगे। अब रानी के सामने समस्या आएगी, कोई संत भक्त मिला को ना, रोटी उसने खाई ना, दिन तीसरा हो गया, और तीसरे दिन रानी, क्योंकि वो तो नाजुक सी थी, तीसरे दिन तो कति कंडम होगी बिना खाई, और उसने प्रतिज्ञा कर रखी मर जाऊंगी पर रोटी अन्न नहीं खाऊंगी। अब परमात्मा कहते हैं, जैसे वेद भी कहते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 96 के 26-27 मंत्र में, और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के ही सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 1-2-3, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में क्लियर किया हुआ है कि वो परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आता है गति करके, और अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, किस लिए मिलता है, उनको यथार्थ ज्ञान देने के उद्देश्य से आता है, अपने उस गुण के आधार पर, अपने उसी जो मालिक जैसे लीलाएं करता है उस लीला आधार पर वो इंद्रमती के पास पहुंच गए, और दूर से जैसे महल था, महल से थोड़ी दूरी पर परमात्मा ने वहां अपने आप को प्रकट किया, आ रहे हैं जैसे उनके महल की साथ से ऐसे रास्ता जाता था, सामने महल और महल के साथ से एकदम रास्ता टर्न होता था, तो आने वाला रास्ता ऐसा लगता जैसे महल की तरफ ही आ रहा हो आदमी। रानी ने अपनी नौकरानी से कहा कि नौकरानी आज देख ले, ढूंढ ले कोई संत दिखाई दे जाता है,
एक बार देख ले ऊपर चढ़ के कोई आसपास दिख जाए तेरे को, नहीं तो आज तेरी रानी संसार में नहीं रहेगी, शाम तक मेरी मृत्यु हो लेगी, अब मेरी हिम्मत नहीं रही। और नौकरानी ऊपर गई अटारी पर चढ़ कर देखा कोठे पर, एक आशा की किरण उसको दिखाई दी, परमात्मा कबीर देव जी एक साधारण सी दाढ़ी वेशभूषा और सफेद कपड़े धोती आ रहे हैं। अब नौकरानी दौड़ी दौड़ी नीचे आई और कहा, रानी सामने संत एक भक्त आ रहा है। रानी ने कहा, जा बेटा जल्दी ला बुला के, तेरा बुलाओ नेताज मेरी मृत्यु हो गई। अब वो भागी गई रानी, नौकरानी नौकरानी ने प्रणाम किया और कहा, महाराज जी आपको हमारी रानी याद कर रही है, आप वहां चलो। परमात्मा ने पूछा, आप कौन हो बेटी? कि मैं नौकरानी हूं और मेरी रानी ने, हमारी रानी ने ऐसे ऐसे प्रतिज्ञा की हुई थी, दो तीन दिन से कोई संत मिला नहीं, उन्होंने आहार नहीं किया, आप उनकी प्राण रक्षा करो मेरे मालिक। परमात्मा बोले, बेटा वह रानी तू नौकरानी, मैं तेरे को इतना चालू, यदि उसको गरज है तो यहां बैठा हूं, खुद आवा रानी प्रार्थना करे जब चालू। तो नौकरानी दौड़ी दौड़ी गई कि रानी ऐसे ऐसे संत कह रहे हैं। तो इंद्रमती ने कहा, बहन मेरा पकड़ मेरा हाथ, सहारा लेकर अपनी नौकरानी का धीरे धीरे मालिक के पास आई और चरणों में शीश रख दिया। कहा कि हे प्रभु मेरी हिम्मत नहीं, आप तो कह रहे थे कि मुझे बुलाने आए तो मैं चलूं, मेरी इच्छा करती है अपने अतिथि को, अपने महात्मा को, संत को मैं अपने कंधे बैठाकर घर ले चलूं, अगर मैं इसी योग्य होती थी, मेरी इतनी इच्छा है आपकी सेवा करने की। तो कहते हैं, साधु भूखा भाव का और धन का भूखा ना, हृदय को धन का भूखा वो साधु को ना। तो उसी समय परमात्मा ने बोले, चल बेटी मैं यही देखना चाहूं था तेरे अंदर कुछ श्रद्धा भी है भगवान की या मैं भूखी मरे। आगे रानी ने अपने हाथों रोटी बनाई दुखी सुखी होकर और कहा, ले महाराज रोटी खाओ। परमात्मा बोले, बेटा मैं, मेरा शरीर जो है ये पंच भौतिक नहीं है, मुझे आहार की आवश्यकता नहीं है। रानी बैठ गई माथा पकड़ के, मेरे काम भी नहीं है तू महात्मा, रोटी खावे तो मेरा कल्याण होगा, नहीं तो मुझे भी कोई लाभ नहीं आपसे। तो कहने लगे, ना बेटा खाना खाऊंगा। कहते समर्थ उसी को कहते हैं, अब आहार किया। वो तो और परीक्षा लेना चाहते थे कि देखो बीवी आज खावेगी कि बैठी रहेगी। तो कहने लगे, ठीक है बेटा अल्लाह खाना खाते। परमात्मा ने आहार किया, रानी ने भी आहार किया। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा एक बात बता, जो साधना तू कर रही है किसकी पूजा करती है? कि सिर्फ की विष्णु जी की और शंकर भगवान की, ब्रह्मांत पूजन का इन्हें बताई नहीं रखी। तो परमात्मा ने कहा, बेटी इनकी पूजा से तुझे क्या मिलेगा? कि स्वर्ग में जाऊंगी, स्वर्ग में कितने दिन रहेगी? तेरा जितना पुण्य होगा इतने दिन तू स्वर्ग रहेगी, उसके बाद कहां जाएगी? कि तकुतिया बनेगी, गधी बनेगी, 84 लाख योनियों में धक्के खाएगी। और मेरे पास एक ऐसा मंत्र है जो तेरे गुरु जी के पास नहीं है, बेटी तेरा जन्म और मृत्यु से सदा के लिए छुटकारा हो जाएगा। इस बात पर वह रानी चंगरगी, बोली महाराज जी मेरे गुरु जी के बारे में कुछ नहीं बोल देगा, ये संत ऐसे ही होते हैं, एक दूसरे की जो है ना निंदा करते हैं और अपनी महिमा बनाते हैं, मुझे कति जरूरत नहीं, मुझे अपना गुरु जी श्रोधारी है। अब परमात्मा बोले, बेटी बात सुन ले, ठीक है तुम बालक हो, डॉक्टर की दवाई को डॉक्टर बता सके हैं, मरीज को नहीं पता। जो तू साधना कर रही है एक आने की नहीं, यानी 84 लाख योनियों में धक्के खाएगी। और सुन ले, तू नहीं मानना चाहती है, आज से 3rd दिन तेरी मृत्यु होगी और तेरा सर्प डसेगा, और सर्प के डसने से तेरी मृत्यु होगी, तेरा गुरुजी नहीं बचा सकेगा, तू या बुला के बैठा लिए तेरे गुरुजी ने, तू नहीं बच सके, तेरी आयु नहीं आगे। अपने आत्मा जो मरण का टाइम आवे है ना, बात चल रहा है, जब समस्या आवे है, जब तो सब कुछ मान लेता है प्राणी,
तो रानी ने सोचा कि साधु संत झूठ नहीं बोला करते, पहले अब तो मेरे निकम्मे हो गए, अब तो मेरे झूठे संत, पहले साधु संत की वेशभूषा में झूठ नहीं बोला करता, अगर कोई ऐसी गलती कर देता उसको बाइकाट करते थे सभी संत। इसी आधार से जब श्री कृष्ण और अर्जुन गए थे मोरध्वज राजा के द्वार पर साधु रूप बना करके, उन्होंने ये कहा था कि मेरा एक शेर बना लिया लीला से माया से, और ये कहा था कि हमारा शेर मांस खाएगा, और जो आज हमारे शेर का आहार बनेगा ये मनुष्य का मांस खाएगा, और किसी पल्लेदार न पकड़ जाओ पल्लेदार का नहीं खाएगा, तुम्हारे परिवार का एक सदस्य का मांस इसको खिलाओगे, और जो इस आहार बनेगा हमारे सिंह का वो सीधा स्वर्ग जाएगा। तो उसमें विश्वास हुआ करता संतों की वाणी का कि संत तो झूठ नहीं बोलते। तो तीनों लड़का माता और पिता में आपस में बात ठनगी, सब ने लालच हो गया। रानी ने सोचा मेरा नंबर आ जाए मैं स्वर्ग जाऊंगी, ये शरीर तो आज ना कल खत्म होना ही है, लड़का हो गया जवान हो गया इसको राजगद्दी दे देंगे और पति और ये दोनों राज कर लेंगे। तो इन्हों कहने लगी महाराज ये ऋषि जी ये साधु संत मेरा शरीर काट लो और शेर को खिला दो। तो लड़का मोरध्वज राजा कहने लगा देखो मेरे रहते मेरी पत्नी का आहार हो तो मैं अक्षत्री हूं ये नहीं होने दूंगा, पहले मेरा नंबर आवे। यानी सबका दाव ये था कि साधु जो बोल रहे हैं सच्ची है, जो संत कह रहे हैं ये सत्य है, आज ये श्री तो जाना है यार स्वर्ग मिल जाए इसी सस्ते में। तो लड़के ने सोचा माँ बाप लागे पिताजी लगा गया दाव तो पीछे रह गया। कहने लगा माता पिता मैं तो आप आज तक आपने पाला पोसा हूं, 18 साल की उम्र मेरी, मैंने आपकी सेवा क्या की है, मेरा पितर न्यू का न्यू है, तो मैं चाहता हूं कि मेरा शरीर शेर का काम आ जावे ताकि मैं अपने माता पिता की जीवन रक्षा करके अपना पुण्य का भागी हूं। कहने का दास का ये है कि पहले संतों पर इतना विश्वास हुआ करता जो ये बोल रहा फाइनल है, और ऐसा ही होता था, ये कुबद्धि नहीं थे जितने अब हो रहे। आजकल दंडरे झूठे हैं, हमारे गांव में ना एक बोड़ी सी बेबे थी माई, उसने के किया एक गेहूं लेकर ला माई की बेटी गेहूं ला, वह गेहूं ले आई, गेहूं नो लिखा गया नो कर दिया के पाया बोला सोना हो गया सोना, वो गेहूं के दाने और चमकीले से हो गए सोने के हो गए, फिर बोला सरसम लाई वह नो करके वह इतनी बड़ी बड़ी गुंडे हो उसमें अंकुर फूट आए, अन्य बोला माई की बेटी तेरे गहने को दुगुना कर दूंगा, तेरे जेवरात है ना दुगने बढ़ा दूंगा, हूं तो ले आला और तेरे पास रख जाऊंगा 10 दिन पाछे खोल लिए दुगने हो पाऊंगे। और उसने सारे गहने लाकर उसके पास रख दिए, अब ये रख जाऊंगा मैं नहीं ले जाऊंगा कुछ भी, मुझे तो तू 2 किलो गेहूं दे देना बस। अब वह ले आई सारे गहने धर दिए काट गए, ने बोला आटा ला, वो आटा लेने चलेगी और वो नकली गहने ले रहा था, असली तो गाल लिए जोड़े में नकली डाल दिए उसने, वह आटा लाई तो बोला गूंद ही से ना गूंज दिया आटे के महा वो उस वाले जो असली तो डाल लिए नकली उसमें डाल के और आटा गूंज के और एक बर्तन लिया बर्तन रख दिया उस पर सील ला दी, ने बोला 10 दिन में खोलिए दुगने हो पाऊंगे। वो लेगा जाता रहा उसके घर क्या बेरा पट्टिया, पता लग गया वो खोल के देखा जब 2 घंटे पास वो सारे वो नकली थे लोहे के पॉलिश कर रखी सुनारते दिखाया तो सारे नकली हैं उसलिए दे गया वो। तो आजकल के दिखे हो गए, पहले ये था कि संत जो कह देता था वो सच्ची हुआ करती। तो इसी उद्देश्य से रानी डर गई अकेले हुए बात बिगड़ गई, और ये तो ऐसा संत भी कोई ना को लालच लो बिकड़ता हो तो हमारे घरानते भी नाट्य था, तो सारे विचार ला के वह घबरा गई। तो रानी पैरा में पड़ गई चरणों में गिरकर रोने लगी प्रभु मेरी जीवन रक्षा कैसे हो, तेरी जीवन रक्षा होगी बेटी तू मेरे से उपदेश ले, और जो साधना मैं बताऊं ऐसे करना तेरे गुरुजी वाली नहीं करना पहले वाली, जिस डॉक्टर की दवाई ले उसी की औषधि खानी चाहिए दूसरे की नहीं। अब कहते हैं ना मरता क्यों नहीं करता, कहने लगी जो आप कहोगे मैं वैसे ही करूंगी।
परमात्मा ने कहा कि तीसरे दिन काल आएगा मेरे रूप में, मेरे रूप में काल आएगा, उसको तूने प्रणाम भी नहीं करना है, और जो मंत्र मैंने तुझे दिया इसका सेवन करती रहना। वैसे तो ये सिर्फ उस दिन के लिए आदेश है, आगे से अगर गुरुजी आ जाए, गुरुजी के रूप में आपको कोई भी दिखाई दे, पहले अपना स्मरण कराए एक दो मंत्र का, फिर तुरंत चरण छूने चाहिए। तो रानी ने, अब रानी को तो चिंता बन गई, हाँ, फिर कहा कि जब तू वो काल आएगा मेरे रूप में तो उस समय तू मंत्र का जाप करते रहना दो तीन मिनट, दो तीन मिनट के बाद उसका ओरिजिनल रूप तेरे सामने आ जाएगा बेटा, और यदि मैं होऊंगा तो मेरा रूप नहीं बदलेगा, एज इट इज रहूंगा, ये लक्षण बता दिए। अब रानी ने तो चिंता होगी, अब कोई तीसरा दिन काल आओगा और मरेगा मारेगा, अब वो मंत्र गणा कर डरती, अब उसने किससे आगे नहीं बताई, वो लेट रही थी सामने अपने बेड पे, लौट रही थी, तीसरा दिन आ गया, आफ्टरनून होगी, आप दोपहर का बाद हो गया, नहीं रिचले इब्तावे आया पड़ा है, इब्ते नहीं आया इब्तावे गाज, तो मंत्र अपना माला जाप करे, मंत्र करने लग रही, इतने में आवाज लगाई काल ने, ये द्वापर युग की बातें हैं, द्वापर युग में, तो करुणा में नाम से परमात्मा कबीर जी उसमें प्रकट थे, तो उस करुणा में नाम अर्थात कबीर जी के रूप में, करुणा में रूप में काल ने आके आवाज लगाई के इंद्रमती, ए इंद्रमती, आवाज आने की काल आ गया, और चौकस होकर बैठ गिर, मंत्र शुरू कर दिया, मंत्र करती रही, सामने देखती रही, प्रणाम नहीं किया उसको। काल कहता है तू बड़ी भगतनी, नमस्कार भी नहीं करती गुरु जी को, वह तो डर गई, इसकी ताक सी ठहर गई, कसाई आ गए, तो उसने सुमन शुरू जारी रखा, तो दो मिनट के बाद देखा उसका चेहरा ओरिजिनल हो गया, ओछा माथा, काला चेहरा, छोटा सा माथा, इतना दो उंगल भी नहीं, और लंबे दांत, विकराल शरीर, जो उस काल ने देखा कि ओहो इसके पास तो कोई शक्तिशाली मंत्र है, और तेरा स्वरूप बदल दिया, कहने लग गया अब तो बचगी, इतना फेर देखूंगा, या काल के लोक की, या ये डायलॉग फाइनल होया करे, लड़की उतला गया काल ते, अब रानी ने खुशी मनाई, ओहो बांदिया ने कहा मेरी मृत्यु होनी थी, काल आया था मुझे लेने के लिए, मेरे गुरुदेव जी ने बचा दिया, वो दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई, राजा से भी कहती है कि आज मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे मैंने नया गुरु जी बनाया, उसने मेरी रक्षा कर दी, आज मैं बच गई, काल आया था लेने। अब राजा था वो थोड़ा मोटे दिमाग का या दूसरे टाइप का, गुटी सूटी लानी और भगवान भक्ति नहीं करता था, वैसे धार्मिक अवश्य था, नर्म आत्मा का था, अपने पत्नी को भक्ति मार्ग में बाधा कभी नहीं करता था, वो फिर भी अपने हिसाब से वो क्या कहता है कि तू क्यों ड्रामा कर रही है गौड़ी, काल आ जाता और छोड़ जाता तेने, बोला नहीं मेरे गुरुजी ने सच्ची बताई थी, उस दिन कह दिया था, बोला इन्हें बुकाया कर पैसे पैसे ऐठनी है, बोला जा तू ड्रामा ना कर निकल यहां से, यानी उसको वो तो ढंग से बात नहीं की, पर वो ना करो पर जिसका लग गया वो जाने, वो इतनी फूली नहीं समावे भगवान ने, ओहो बड़ी दया करी मेरे दाता, सचमुच आज तो मेरी मौत थी, उस करते करते वह बेड पर लेट गई, लेटते नींद आएगी, क्यों सुख में नींद आया करे, नींद निंद्रा में वह लुट आख्या मीची हो रही थी, इतने में काल सर्प बन के आ गया, सर्प बन के आ गया और रानी को डस लिया पैर में, एकदम उठी रोन लागी, आए खाली सर्प, नौकर भागे आए, नौकरानी आई, उन्हें देखा कि मोरी के घर की मोरी के अंदर से एक बहुत बड़ा सर्प निकल रहा था, नौकर इतने किले में घबरा है, इतने तो बहुत टाइम हो लिया, इतने वो छुप गया, अब एकदम बेहोश होगी रानी, मृत्यु को प्राप्त हुई। अब परमात्मा उसी समय प्रकट हो गए, यानी वो ये पुकार के अचेत हो गई,
हे परमात्मा हे गुरु जी मेरी रक्षा करो, मैं मार दी काल में भूल बन गई मेरे पर, मुझे मेरा मंत्र याद नहीं रहा। परमात्मा वहां प्रगट हो गए।